Good morning to my all dear students of grade 8. Today we will discuss chapter 9. Packing. So whenever holiday starts, we start packing. So this chapter is about the same packing. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with the readiness that had some thing uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. So बच्चे इसमें राइटर बता रहा है कि उसको पैकिंग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था और उसने ये बात अपने फ्रेंड्स को भी बताई. वो कहीं पे जा रहे हैं तो उन्होंने पैकिंग करनी है. उसके साथ उसके फ्रेंड्स हैं जॉर्ज एंड हैरिस. कहता मैंने उनको भी बताया कि बेटर है तुम पूरी की पूरी पैकिंग मेरे ऊपर छोड़ दो और उन्होंने मेरा सजेशन मान लिया. अनकैनी मीन्स स्ट्रेंज एंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ. जॉर्ज अपने आप एक इजी चेयर के ऊपर बैठ गया और हैरिस ने भी अपनी लेग्स जो है टेबल के ऊपर रख दी. मीन्स जब उसने बताया कि मुझे बहुत अच्छे से पैकिंग करनी आती है तो उसके दोनों फ्रेंड्स आराम से बैठ गए. दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड. वट आई हैड मीन्ट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन. आई पुशिंग दैम असाइड every now and then with oh you. अब वो कह रहा है कि ये ऐसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था. उसने क्या सोचा था कि मैं बॉस बनूंगा उनका और उनको पैकिंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो दोनों तो आराम से बैठ गए. उसने सोचा था कि वो उसकी डायरेक्शंस को मानेंगे, उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, लेकिन वो आराम से बैठ गए. तो अब उसने क्या किया, उसने उनको बताया कि ये वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो. तो वो इनको कहता है कि ये तो बहुत सिंपल टास्क है, लेट मी डू इट. देयर यू आर सिंपल एनफ रियली टीचिंग देम. As you might say, they are taking it in the way they did irritated me. There is nothing does irritated me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. तो उसकी प्लानिंग तो थी कि मैं बॉस बनूंगा और ये मेरे आगे काम करेंगे, लेकिन वो दोनों आराम से बैठ गए. वो कहता अब मुझे इरिटेशन हो रही है, ये मुझे काम बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है जब आप काम कर रहे होते हो और कोई दूसरा फ्री बैठ के उस वर्क को देख रहा होता है. आई लिव्ड विद द मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे. ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स विद द आर टुगेदर फॉलोइंग मी राउंड द रूम विद हिज आईज. Wherever I went, he said it did him real good to look on at me messing about. He said it made him feel that life was not an idle dream to be gapped and yawned through, but a noble task full of duty and stern work. He said he often wondered now how he could have gone on before he met me, never having anybody to look at while they worked.
अब राइटर बता रहा है कि उसके पास एक पहले से भी एक्सपीरियंस है, एक इंसान पहले भी था उसके पास जो ऐसे ही बैठा बैठा उसके तरफ देखता रहता था और राइटर को गुस्सा आता था। वो इंसान आराम से सोफे पे बैठ जाता था और उसको काम करते हुए देखता था, मीन्स उसको इरिटेशन होती थी। और वो इंसान बाद में ये कहता था कि मैं सोच रहा था पहले लाइफ कैसी होती थी जब मैं किसी को काम करते हुए नहीं देखता था। ना आई एम नॉट लाइक दैट, आई कैन नॉट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंडेंट एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड इन माई पॉकेट्स एंड टेल हिम वट टू डू, इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, आई कैंट हेल्प इट। वो कहता अब मैं वैसा नहीं हूँ, ऐसे कोई भी मुझसे काम करवाए और मैं करता जाऊँ, आराम से बैठ देखता रहूँ और करता जाऊँ जैसे जैसे कोई बोलता जाए, लेकिन अब जो मेरी है आदत बन गई है कि मैं अपनी पॉकेट में हाथ डाल के घूमता हूँ और उनको सुपरवाइज करता हूँ जो भी कोई वर्क करता है, मीन्स वो बॉस के तरह से एक्ट करता है। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, वो दोनों बैठे हैं आराम से और मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दिया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट आई वॉज गोइंग टू बी, बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। वो कहता जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज़्यादा लंबी जॉब थी, ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैंने इसको पैक कर दिया और इसकी स्ट्रैप्स को इसको बांध दिया। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। जैसे ही उसने उसको बांध दिया, काम फिनिश किया, हैरिस क्या कहता है कि क्या तूने बूट नहीं डाले। एंड आई लुक राउंड आई फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, दैट्स जस्ट लाइक हैरिस। He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course, and George laughed. One of those irritated, senseless, chuckle-headed, cracked jaws laugh of his. They do make me so wild. कहता जब मैंने पूरी की पूरी पैकिंग कर ली तब एक ने बताया, हैरिस ने बोला कि क्या तुमने अपने बूट पैक कर लिए। उसने फिर से ओपन किया, फिर से चेक किया, फिर से बांधा और जॉर्ज उस पर हंसने लगा तो उसको बहुत गुस्सा आया। वो क्यों हंसने लगा? क्योंकि उसने पहले बोला था कि मुझे पैकिंग बहुत अच्छे से आती है, पूरी पैकिंग मेरे ऊपर छोड़ दो। आई ओपन द बैग एंड पैक द बुक्स इन एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर टू मी, हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश। आई डोंट नो हाउ इट इज बट आई नेवर डू नो वट एवर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। जैसे ही उसने बूट अंदर रखे, बैग को बंद करना स्टार्ट किया, तभी उसके माइंड में एक फिर से आइडिया आया कि मैंने अपना ब्रश पैक कर लिया, टूथब्रश पैक किया, लेकिन वो सोचने की कोशिश कर रहा है पर उसको याद नहीं आ रहा कि उसने अपना ब्रश पैक किया। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, आई wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. वो कहता कि अब और कोई चारा तो है नहीं था उसके पास, तो उसने अपना ब्रश ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन यात्रा में उसको यही चीज ज्यादा परेशान करती है कि उसका ब्रश टूथब्रश अक्सर खो जाता है, तो उसको ये भी नहीं पता था कि उसने पैक किया है या नहीं किया, तो उसको पसीना आना स्टार्ट हो गया पूरी, उसमें वो कैसे चेक करेगा। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक्ड इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हाउ अनपैक इट एंड गेट इट। सुबह मॉर्निंग में ही उसने पहले इसको पैक कर दिया था ब्रश करने से पहले, लेकिन फिर उसने अनपैक किया, इसको बाहर निकाला। एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई पैक्ड एंड फॉरगेट इट, आई हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ। तो वो उसे पैक करना भूल गया, उसने टूथब्रश को पैक नहीं किया और ऊपर उसने ढूंढा और फिर उसको अपने हैंडकरचीफ में पैक कर लिया।
Of course, I had to turn every moral thing out now, and of course, I could not find it. I rummaged the thing up into much the same state that they must have been before the world was created, and when Charles risen, of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. कहता पहले भी ऐसा हुआ था जब उसने पैक किया था, ब्रश किया था, बाद में वो रखना भूल गया था, तो वो उस ब्रश को अपने हाथ में ही लेके रेलवे स्टेशन की तरफ गया था हैंडकरचीफ में पैक करके. अब वो कहता अब मुझे ये मिल ही नहीं रहा, मैंने बहुत बार ढूंढा, जॉर्ज और हैरिस का तो बहुत 18 टाइम्स मिल गया, लेकिन उसके वाला ब्रश उसको नहीं मिल रहा. आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, फिर उसने बैग में से एक एक करके चीजें निकालनी स्टार्ट कर दी. एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शॉक इट, हर एक चीज को उठाया झटका. देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बोट, आई रीपैक्ड वंस मोर. पूरे का पूरा सामान निकालने के बाद उसको पता चला कि ये तो एक बूट के अंदर था, तो उसने दोबारा से उसको पैक करना स्टार्ट कर दिया. मीन्स बहुत ज्यादा वर्क बढ़ गया. वेयर वॉज द नरेटर्स टूथब्रश? इनसाइड अ बोट. When I had finished, George asked if the soap was in. जैसे ही कहता मैंने पैकिंग खत्म की, जॉर्ज ने क्या पूछा, क्या सोप पैक कर लिया? I said, I didn't care a hang what the soap was in or whatever it wasn't. And I slammed the bag and stabbed it. वो कहता मुझे नहीं पता किया या नहीं किया, और उसने बैग को बंद कर दिया. It got shut up finally at 5 p.m. And then there remained the hampers to do. पूरी के पूरी उसने पैकिंग कर दी, लेकिन hampers वो बॉक्सेस जिसमें उसने खाना लेके जाना था वो अभी भी बाकी है. Harris said that we should be waiting to start in less than 12 hours time, and though that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down, and they had a go. जॉर्ज और हैरिस उसे बताते हैं कि अभी हमारे जाने में 12 घंटे से कम टाइम है, तो ये काम हम कर लेते हैं, क्योंकि पिछले काम में ही उसने बहुत सारा टाइम लगा दिया है. 10 बज गए हैं रात के, तो वो कहते हैं ये काम हम कर लेते हैं, और उसने भी सोचा कि ठीक है चलो इनको करने देते हैं. इन नेक्स्ट असाइनमेंट वी विल चेक दैट हाउ दे पैक्ड. ओके.